दोस्तों आज मैं गाजर का हलवा बनाकर दिखाऊंगी मिल्क पाउडर से। इसके लिए आपको मावा भी नहीं चाहिए, दूध भी नहीं चाहिए। और ये मेरी वीडियो आप शुरू से आखिर तक देखिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है जिससे आपको समझ में आए, और बाद में स्किप मत करिएगा बीच में जिससे आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसके लिए आपको क्या क्या इंग्रीडियंट्स चाहिए। ये देखिए मैंने 1 किलो गाजर ली हुई है, इसको धोकर पीस लिया है, और 100 ग्राम घी लिया हुआ है, इलायची पाउडर लिया 1 चम्मच, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू लिया है, बादाम लिया हुआ है, ये चीनी पाउडर लिया हुआ है 150 ग्राम है, ये नारियल का बुरादा है 100 ग्राम है, ये मिल्क पाउडर है 100 ग्राम है, और चलिए मैं 1 कप पानी भी लिया है। काम लगेगा तो मैं डाल दूंगी, नहीं तो नहीं डालूंगी। मैंने गैस जला लिएगी, अब मैं इसमें घी डाल देती हूँ। घी मेल्ट हो रहेगा, घी को ऐसे धीरे धीरे ऐसे मेल्ट करते रहेंगे। घी मेल्ट हो गया है, गरम हो गया है, अब इसमें मैं गाजर डाल दूंगी। तो मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसको मैं अच्छे से ऐसे मिक्स कर लूंगी। अभी गैस को तेज ही रखा हुआ है मैंने। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। और पानी इसमें गैस गाजर में छूटेगा इसलिए मैंने थोड़ा ही से डाला है, 1/2 गिलास से भी कम डाला है मैंने। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी, निकल जाए थोड़ा। गैस मध्यम कर देंगे, इसको ढक देंगे, इसको एक बार बीच में देख लेंगे चलाकर ये हो गया है कि नहीं। देखिए इसका कलर बदलता जा रहा है गाजर का जैसे जैसे भूनती जा रही है। इसमें कलर भी डालते हैं, मैं कलर नहीं डाल रही हूँ, मुझे कलर पसंद नहीं, इसलिए कलर आप ऑप्शनल है, आप डाल सकती हैं आपको पसंद है तो। इलायची पाउडर डाल देंगे, चीनी पाउडर इसलिए डाला है कि वो बड़ी चीनी जो है इसमें पानी छोड़ने लगता है ज्यादा, इसलिए मैंने चीनी पाउडर डाला है। इसको चीनी को मिक्स कर लेंगे, इसको मैं फिर से ढक दूंगी, गैस मध्यम कर दूंगी, दो देखूंगी चला के, अभी खोलकर इसको देख लेंगे और गैस तेज कर देंगे। ये गाजर पक गई है, इसको देख लेंगे, वैसे जवाब गाजर पक गई है, इसे थोड़ी देर ऐसे भूंज लेंगे। पाउडर डाल देंगे,
किसी के पास खोवा नहीं मिलता है, दूध नहीं होता है, तो आप मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आप अपने घर में भर ये गाजर का हलवा बना सकते हैं, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसमें थोड़ा सा बचा लेंगे। गैस को तेज कर दिए हैं, ये मेरा गाजर का हलवा बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसको बाउल में निकाल लूंगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और सारी गाजर एकदम पक गई है और कितनी जल्दी बन गई ये गाजर का हलवा। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और मैं इसको डेकोरेशन कर देती हूँ। फिर चलिए मैं इसमें बाउल में निकाल लेती हूँ। अब मैं नारियल के बुरादे से इसको डेकोरेशन कर दूंगी। काजू डाल दूंगी। बादाम भी डाल दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं तो मत डालिएगा। थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे। ये देखिए मेरा गाजर का हलवा बनके तैयार हैगा। कितना आसान रेसिपी हैगी। और आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नंदिता अग्रवाल फूडी टेस्टी किचन से, और जिससे आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू माई चैनल।